निगम है, कानपुर शहर का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस को अपनी पत्नी वंदना के साथ काफी वक्त से बिल्ड कर रहा हूँ। एक बहुत नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। हमें याद है कि हम लोग कानपुर शहर में एक बहुत रिमोट इलाके में रहते थे। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, कानपुर में सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट से, और मेरे माँ बाप ने अपने बहुत कम पैसे में भी बहुत ज़्यादा खर्च किया मेरे ऊपर, सो दैट मेरी ज़िंदगी अच्छी बन सके। हम लोग जिस इलाके में रहते थे, हमें याद है वहाँ पे बहुत छोटे थे जब हम लोग गए थे, और वो एक बिल्कुल नया डेवलपिंग इलाका था। बहुत इक्का दुक्का घर होते थे, बाकी सब खाली मैदान। और एक रात हम लोग सोए और उस रात पानी बरसा, तो जब सुबह उठे थे तो चारों तरफ से पानी पानी था, पूरा फ्लडेड, सड़कों पे सिर्फ पानी और कुछ नहीं दिखता था, या तो घर या पानी। बड़ा मजा आ रहा था, बच्चे थे तो पानी में खेल रहे थे। बट अगले दिन जब स्कूल जाना हुआ तो अब समझ आया कि अब कैसे जाएंगे भाई। मुझे याद है कि मेरे पास ऊंची वाली साइकिल होती थी और उसमें जूते उनके हैंडल में बांध के और पैंट को ऊपर तक चढ़ा के पानी में मझाते हुए बहुत दूर, करीबन आधा पौना किलोमीटर दूर पे डामर सड़क होती थी, जीटी रोड, वहां तक गए, फिर उसके बाद स्कूल गए। और ये फिर रोज का सिलसिला था। और सबसे बड़ी चीज थी कि वहां सांप बहुत निकलते थे बरसात में, और हम इतने छोटे थे, हम बहुत डर जाते थे। फ्रेंड्स, जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी, पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, मन नहीं लगता था, फर्स्ट ईयर में फेल हो गए। और जब फेल हुए तो हमें याद है कि मेरे पेरेंट्स की नजरों में मैंने कहीं ना कहीं देखा था दैट दे लॉस्ट होप इन मी। कैसे भी करके ग्रेजुएशन पास हुआ, मैंने डैड को बोला डैड अब नहीं पढ़ पाएंगे, तो डैड ने एक चीज कही थी कि बेटा अगर तुम बैंक में नौकरी कर लो किसी भी तरह मेहनत करके तो तुम्हारी जिंदगी छट जाएगी। पता नहीं उनकी बात अपील कर गई, मेहनत किया और भगवान ने साथ दिया, तीन बैंकों में सिलेक्शन हो गया। स्टार्टेड माई जॉब विद इंडियन बैंक, देन सेंस डूअर टू कैनरा बैंक, और मुझे लगा कि अब जिंदगी सेट। मगर थोड़े दिनों में ही समझ आया कि यार मेरे सपने बहुत बड़े हैं और पैसे बहुत कम हैं, अब क्या करें। तो एक नौकरी करने वाली लड़की से शादी कर लो, इसलिए इनसे शादी कर ली। अब दो तनख्वाहें थी, पैसे खूब आ रहे थे, लाइफ सेट, मजा कर रहे थे हम लोग लाइफ में। तब हमारी जिंदगी में दो प्यारे बच्चे आए, जुड़वा यश और भव्या। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब हम अपने ऑफिस जाते थे, वंदना अपने ऑफिस जाती थी, और हम लोग बच्चों को क्रश में छोड़ते थे, और बस जीवन भाग रहा था, हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उस समय समझने का शायद वक्त भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ लाइफ बढ़ रही थी। और एक दिन वंदना ने अचानक एक निर्णय लिया कि मैं अपने बच्चे पालूंगी, हमको क्रश में नहीं छोड़ूंगी, और उसने रिजाइन कर दिया। दैट वॉज द टाइम जब सब कुछ ओवरटर्न हो गया। फ्रेंड्स, अब अचानक एक तनख्वाह और चार लोग, एंड देन लाइफ अगेन बिकेम रियली टफ। उस समय मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए कि भाई कुछ कहीं से तो पैसे आने चाहिए, घर कैसे चलेगा। सुबह 9 बजे निकला आदमी, 10:30, 11:30, 12:30, इतने बजे रात तक मैं काम करता था। मुझे लगता था, मैं सोचता रहता था कि यार मैं अभी थक रहा हूं तो आगे कैसे चलेगा। मैं कुछ ढूंढ रहा था, उसी समय मेरे दोस्त ने मुझे एक सिंपल सा फोन कॉल किया मेरे बैंक में कि यार अतुल, वो जो हम लोग बचपन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बड़े बड़े सपनों की बातें करते थे, उनको पूरा करने का एक रास्ता दे गया, तो भाभी के साथ कानपुर आ जाओ। संडे को एक सेमिनार है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने मुझे सेमिनार में बुला लिया। मैं उस सेमिनार में गया, मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं बिजनेस समझ गया कैसे होगा, लेकिन मेरे सपने जाग गए वहां पे जाके। मुझे अचानक उम्मीद मिली कि वो जितने सपने मेरे थे मैं सब इस बिजनेस से पूरा कर पाऊंगा, बशर्ते कि मैं इसमें सफल हो जाऊं। एंड फ्रेंड्स, इसका इतना बड़ा रूप देख के कहीं ना कहीं मैं डर गया था कि वो एक फेलियर जो अंदर था, फर्स्ट ईयर का फेलियर, वो जो बचपन से सुनते आए थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो डर ने कहीं ना कहीं सामने आ गया, और मुझे लगा मैं कैसे कर पाऊंगा। फ्रेंड्स, एक चीज तब सोची कि यार इस बिजनेस में हारने के लिए कुछ है नहीं और जीतने की पूरी दुनिया है, बस इस एक विचार ने मेरे सारे डर हटा दिए और हम इस बिजनेस में आ गए। काम करना शुरू किया, ये तो नहीं कहेंगे बहुत सरल था, सरल तो कुछ शायद होता ही नहीं है, लेकिन मैंने अपने दोस्त से ये पूछा, यार
मैं कैसे कर पाऊंगा। उसने कहा यार सिखाएंगे ना, कोई हमको सिखाएगा, एक टीम है जो सिखाएगी। उस समय कैसेट आते थे, आज तो मीडिया है जो हम मोबाइल पे सुन सकते हैं। उसने कहा कैसेट के थ्रू सीखेंगे यार, किताबों के थ्रू सीखेंगे, सेमिनार तो तूने देखा ही है। मैंने कहा हाँ सेमिनार तो बहुत अच्छा होता है। फिर जितने भी कैसेट थे सब खरीदे, सुनते रहते थे, दिन भर सुनते रहते थे। फ्रेंड्स मुझे ये तो नहीं पता मैंने उससे सीखा गया, बट मैं मोटिवेटेड बहुत रहता था उसकी वजह से। इतने इतने शब्द रहते थे, इतने सेंटेंसेस रहते थे, इतना एक्साइटमेंट रहता था उसकी वजह से कि जब काम करने जाते थे, कोई ज्वाइन करे नहीं करे इससे ज्यादा मतलब नहीं होता था, लेकिन लेकिन वो जो एक एनर्जी थी हमारी वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होती थी। ऐसे कितनी बार लोग हमको मिले जो ये कहते थे मैं तो ये बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन आप इस बिजनेस में डायमंड जरूर जाओगे। शायद उनके आशीर्वाद थे, बिजनेस धीरे धीरे चल निकला। एक और चीज थी कि मेरे कोच ने, क्योंकि इसमें कोच जो मिलते हैं अलग अलग वक्त में अलग अलग कोच मिले मुझे, सबसे अच्छी चीज है उन्होंने हम पे विश्वास किया, उन्होंने हमारा साथ दिया और उन्होंने हमें बर्दाश्त भी किया। क्योंकि कई बार ऐसा था कि शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं किसी को छोड़ देता, लेकिन उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा। फ्रेंड्स एक चीज वो हमेशा कहते रहे, अतुल वंदना एक दिन तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा होगा, एक दिन तुम बहुत नाम कमाओगे, एक दिन तुम बहुत सम्मान कमाओगे, एक दिन तुम पूरी दुनिया घूमोगे, बस लगे रहो चलते रहो। फ्रेंड्स इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए हमने बहुत सारे सपने पूरे किए। मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल करने का बहुत शौक था, है और शायद पूरे जीवन रहेगा। 5-स्टार होटल्स में रहना मुझे अच्छा लगता है, हवाई जहाज में चलना मुझे अच्छा लगता है। इस बिजनेस के थ्रू हम लोग 2 बार पेरिस गए। मुझे याद है कि आइफल टावर के ऊपर जहाँ तक जाते हैं वहाँ पे जाके मैं और मेरा स्पॉन्सर हम दोनों नाच रहे थे और करीबन 10 मिनट तक नाचते रहे। आगे का एक स्टाफ भी खड़ा था और बाद में उसने कहा सर मैंने जिंदगी में कभी किसी को बिना म्यूजिक के नाचते नहीं देखा। एंड फ्रेंड्स हम और वो 10 मिनट तक पागलों की तरह नाचे थे और हम एक ही चीज कह रहे थे वी हैव डन इट, वी हैव डन इट। फ्रेंड्स स्टार क्रूज पे गए, करेबियन क्रूज में गए, पूरा यूरोप घूमा गया, आइफल टावर देखा, MCG लेके गए ये लोग ऑस्ट्रेलिया में। और सोचिए कि फ्रेंड्स MCG में डायमंड्स एंड अबव के लिए क्रिकेट मैच खेलने का जगह दी गई। एडम गिलक्रिस्ट उसके एम्पायरिंग कर रहे थे और उनके पास एक हेडफोन लगा था जिससे वो कमेंट्री कर रहे थे। अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अ क्रिकेटर। फ्रेंड्स ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चढ़े, नाइग्रा फॉल देखने गए, स्विट्जरलैंड गए, इतना कुछ देखा, इतना कुछ घूमे। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, हमारे बहुत सारे सपने पूरे हुए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फ्रेंड्स, मुझे बॉस कभी पसंद नहीं था, मैं कभी नौकरी करना ही नहीं चाहता था। 4 साल इस बिजनेस को बिल्ड करने के बाद द फर्स्ट एवर अचीवमेंट व्हाट आई थिंक इन माय लाइफ आई गॉट वाज आई कुड क्विट माय जॉब। और उस दिन से मैं अपने आप को एक आजाद पंछी की तरह देख पाया, मैं अपने बच्चों के साथ वक्त बिता पाया। मैं फख्र से इस बात को कहता हूं कि मैंने अपने बच्चों को तब वक्त दिया जब उन्हें उनकी जरूरत थी, ना कि तब जब मेरे पास था। मैंने एक बार पढ़ा था कि लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस उसे कहते हैं जब आप किसी दूसरे की जिंदगी में सफलता दिला सको। फ्रेंड्स इस बिजनेस के थ्रू बहुत सारे लोगों की मदद कर पाए, जो लोग सिल्वर गए, गोल्ड गए, प्लैटिनम गए, एमरल्ड गए, फाउंडर्स एमरल्ड तक गए। फ्रेंड्स बहुत फुलफिलिंग है उन लोगों को देख करके कि जिनके पहले दिन जब उनको विश्वास भी नहीं हो रहा था और आज वो हमारे साथ दुनिया घूम रहे हैं। फ्रेंड्स मैं तो सिर्फ एक ही चीज आपसे कहूंगा, इस बिजनेस को जरूर करिए, पार्ट टाइम में करिए, थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, मीडिया सुनिए, किताबें पढ़िए, सारे फंक्शंस में जाइए। हमारी भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना है कि आपको और आपके परिवार के सारे सपने पूरे हों, आपको खूब सफलता मिले, आप बहुत खुश रहें और इस दुनिया में खूब सारी खुशियां बांटें। अगर हम कर सकते हैं तो कर तो आप भी सकते हो। अब ओवर टू वंदना फॉर हर स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वंदना है। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने कई मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो मेरी शिक्षा दीक्षा वनस्थली विद्यापीठ से हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने BCom की डिग्री हासिल की। अकाउंट से मेरा रिलेशन काफ़ी क्लोज रहा और फ्रेंड्स उसके बाद मेरी शादी हो गई। हम लोगों की लव मैरिज है, बहुत क्रांतिकारी मैरिज है। हमारे हस्बैंड के
मतलब मेरे इन लॉज ने तो तकरीबन हम लोगों को छोड़ ही दिया था, काफी साल के बाद मेरी ससुराल में एंट्री हुई। तो फ्रेंड्स, जैसा कि भी आपको अतुल ने बताया कि मैंने जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को जब देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि उनको माँ की इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मैं जब पढ़ रही थी, मैं जब बड़ी हो रही थी, तो जब मैं स्कूल से आती थी तो मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज होती थी उनको सुनाने के लिए, जिसको वो बहुत पेशेंटली सुनती थी। तो मैं ये देख पा रही थी कि मैं अपने बच्चों को वो हग नहीं दे पा रही हूँ, वो प्यार नहीं कर पा रही हूँ, तो मैंने आनन फानन में जॉब छोड़ दी। एक बार भी मेरे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं आया कि सैलरी एक हो जाएगी या क्या हो जाएगा, मुझे लगा नहीं, इस समय मेरी प्रायोरिटी है मेरे बच्चों को पालना। तो फ्रेंड्स, बच्चों को पालने में मजा तो बहुत आ रहा था, अच्छा भी बहुत लग रहा था, लेकिन बैक ऑफ द माइंड में कभी कभी एक क्वेश्चन मार्क आता था कि जब ये बच्चे 4-5 साल के हो जाएंगे तब मेरा क्या होगा। क्योंकि उस समय आप भी जानते हैं कि अकाउंट्स में इतनी तेजी से परिवर्तन होते हैं कि मुझे लग नहीं रहा था कि उसके पास फिर तमाम क्वेश्चंस आते हैं। आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ तो लोग आपसे पूछते हैं आपने इतने साल क्यों ड्रॉप किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो दिमाग में एक चीज चल रही थी। दूसरी चीज, मुझे एक चीज और समझ में आती थी कि अगर कोई मुझे पार्ट टाइम बेसिस पे काम मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो बहुत सारे लोगों ने फिर मुझे बहुत सारे आइडियाज दिए। कुछ लोगों ने कहा कि आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, आप ब्यूटी पार्लर घर में सेटअप कर सकते हो। फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप हैदराबाद जाके मोती वोती वगैरह ले आओ, लेडीज आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बहुत फंड ऑफ होती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि आप कपड़े का भी बिजनेस कर सकते हो, कुछ डेली के जो टॉवल्स वगैरह होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे ये सब चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। एक तो मेरे पास बहुत ज्यादा पूंजी भी नहीं थी, और ये ट्रेडिशनल बिजनेस को सेटअप करने के लिए पूंजी की जरूरत तो थी। तो फ्रेंड्स, बस दिमाग में खोज चल रही थी, बच्चे इधर बड़े हो रहे थे, और अचानक आपको अतुल ने बताया कि उनके फ्रेंड ने बुलाया उनको, और हम लोग गए एक सेमिनार में, गए वहां सेमिनार देखा। फ्रेंड्स, मुझे वहां का माहौल बहुत अच्छा लगा। 250-300 आदमी एक साथ था, सब बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जो स्पीकर थे हस्बैंड वाइफ, वो स्टेज से बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो 3 घंटे का समय आज भी जब मैं महसूस करती हूँ तो मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। इवन इस समय भी खड़े हो गए जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मुझे लगा कि यही तो मैं ढूंढ रही थी, यही कुछ मैं चाहती थी, यही ग्लैमर मैं चाहती थी। क्योंकि जब मैं कभी भी दूरदर्शन पे टेलीविजन देखती थी और उसमें फिल्मफेयर अवार्ड्स वगैरह देखती थी, तो वो मुझे बहुत अपील करता था, और उस दिन मुझे वो स्टेज फिल्मफेयर अवार्ड की याद दिला रहा था। क्या था बिजनेस, कैसे होगा बिजनेस, कितनी कैपिटल लगेगी, कुछ नहीं पता था। बस बाहर निकल के अतुल ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया, बताओ क्या करना है, और मैंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, करना तो है, करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हमारी इस बिजनेस में एंट्री हुई और हमको ज्वाइन कराया गया। कुछ कैसेट्स थी उस समय, बहुत बहुत कम कैसेट्स थी, और एक आध किताबें थी मुझे पढ़ने को दी गई। मुझे आज भी याद है कि मेरी पहली जो बुक थी वो थी जीत आपकी, शिवखेड़ा की। और जब मैंने उस किताब को पढ़ा, मैं रीडिंग की बहुत फॉन्ड ऑफ हूँ, मेरे घर में भी स्टडी का बड़ा अच्छा माहौल है, और जब मैंने उस किताब को पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसकी कहानियां बहुत अच्छी लगी, जो मुझे बहुत मोटिवेट करने लगी, और धीरे धीरे हम इस बिजनेस में आगे बढ़े। फ्रेंड्स, प्लान दिखाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं, प्लान दिखाना आज भी मेरा पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप बोर्ड पे खड़े होके प्लान दिखाते हो, बीइंग अ लेडी, मुझे बड़ा प्राइड फील होता है। लोग आपको सुनते हैं, आपके लिए आप कुछ पंचलाइन बोल देते हो तो आपके लिए क्लैप करते हैं। तो आज भी मुझे जब भी बोर्ड पे प्लान दिखाने का अवसर मिलता है, मैं हर जगह उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती हूँ। मैं कभी उसे पीछे नहीं हटती, मैं अपने आप को खुद वॉलंटियर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा जन्म हुआ। सक्सेस की बात तो अतुल जी ने बताई, फॉरेन ट्रिप मेरा भी एक बहुत ज्यादा शौक था, मेरा भी सपना था। तो कंट्रीज तो आपको बताए अतुल ने कि क्रूज पे गए, और बहुत सारे कंट्रीज हमने 25-26 कंट्रीज की इसी बिजनेस से यात्रा की। लेकिन कुछ चीजें बीइंग अ लेडी, मैं आपको बताऊं कि मुझे जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड मिला वो था मेरी हेल्थ। एमवे के प्रोडक्ट्स ने जो मुझे हेल्थ दी, जो मेरे परिवार को हेल्थ का रिवॉर्ड मिला, उसने वाकई में उस मुहावरे को सत्यार्थ कर दिया, हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती 1000 नियामत।
सेहत के बराबर कुछ हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, आज भी जब मैं एमवे के प्रोडक्ट्स को देखती हूँ ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं प्रोटीन पाउडर के डिब्बे से केवल प्रोटीन निकाल के नहीं पीती, मैं प्रोटीन पाउडर के डिब्बे को प्यार कर लेती हूँ कभी कभी। कभी कभी मैं इन प्रोडक्ट्स को किस कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज भी पता है कि दो लाइफ स्टाइल डिजीज है मुझे, लेकिन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स मेरे वाइटल्स आज भी स्ट्रांग है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भी कभी कभी अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। थैंक्स प्रोटीन, मल्टीविटामिन, डेली ओमेगा, तुलसी, अश्वगंधा, वसाका, च्यवनप्राश, नेचुरल बी, मिल्थीसल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स। और दूसरी चीज जो मुझे दी आर्टिस्ट्री ने, मुझे खूबसूरत और जवान बनाए रखा। दूसरी जो मुझे बहुत अच्छी चीज मिली, जो मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, 5 Love Languages, पर्सनैलिटी प्लस, कॉपीकैट मार्केटिंग, इससे मुझे बच्चों के साथ और रिलेशन रिलेटिव के साथ एक जो रिलेशन होता है कि कैसे रिलेशन को जिया जाए, वो मुझे सिखाया इन किताबों ने। आज मैं बहुत घमंड महसूस करती हूँ कि मेरे बच्चे आज पूरी तरह वयस्क हैं, अपनी लाइफ में सेटल हैं, लेकिन उनसे मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैंने आज बहुत सारे घर ऐसे देखे हैं जहाँ बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, हस्बैंड वाइफ में नहीं पट रही है, बच्चों से नहीं पट रही है, माँ बाप अब इस यंग जनरेशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे घर में टचवुड ऐसा माहौल नहीं है। हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सपने इस बिजनेस ने पूरे किए और मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजनेस पूरे ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, और परिवार के लिए तो वाकई में एक ब्लेसिंग है। अगर हमारे जैसा एक ऑर्डिनरी कपल इसको कर सका, तो दुनिया का कोई भी आदमी इस बिजनेस को सीख के बहुत प्यार से कर सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।